तो गाइस व्हील कवर भी निकाल दिया हमने, और भाई ये आगे का स्पॉकेट भी खोल दिया हमने, स्पॉकेट बोल रहा हूँ, एक चैन कवर जो था आगे का फ्रंट का वो भी खोल दिया। ये हमें भाई ऐसे एक थोड़ा थोड़ा सा करके डालना पड़ेगा अपनी चैन के ऊपर। तो आप लोगों को पता है भाई पिछले दो तीन ब्लॉग जो भी देखे आप लोगों ने कि मेरी बाइक की पिछली ब्रेक जो है अपनी ये वाली ब्रेक भाई वर्किंग में नहीं है भाई, काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम में आ रहा हूँ। तो मैंने सोचा यार चलो आज इसको थोड़ा सा ठीक करा जाए, या फिर अगर अपने सोचता तो ठीक ज़्यादा अच्छी बात है कि अगर नहीं होता तो फिर मैकेनिक के पास जाएंगे, देखते क्या बनता है। जहाँ तक मुझे लगता है भाई मैं सही ठीक कर दूँगा, जहाँ तक मुझे लगता है ठीक है, इतना को पता ही है बाइक के बारे में। बाकी आउटफिट भी आउटफिट के ऊपर मैं जाना यार घर पर रहता था ऐसे नहीं रहता ना। तो आज मैं ना भाई अपनी बाइक को थोड़ा बहुत क्लीन वगैरह करने वाला हूँ, तो मैं बताऊँगा कि भाई मैं क्या क्या चीज़ यूज़ करता हूँ अपनी बाइक को क्लीन करने के लिए, चैन जैसे चैन यूज़ करने के लिए, चैन वॉश करने के लिए, तो ये सब चीज़ें मैं बताने वाला हूँ भाई कि मैं क्या क्या चीज़ यूज़ करता हूँ अपनी बाइक को क्लीन वगैरह करने के लिए। भाई स्टार्ट करते हैं इसका किस वाले चीज़ों को, ठीक है। तो भाई सबसे पहले मैंने चेक किया था कि भाई मेरी जो ये डब्बी है इसके अंदर ब्रेक ऑयल है या नहीं है, तो भाई इसको खोल के चेक किया था मैंने, तो इसके अंदर ब्रेक ऑयल तो भाई पूरा हो रखा है, बट यहाँ से प्रेशर नहीं बन रहा है यहाँ से। तो सबसे पहले भाई इसका ये जो बोल्ट है ना यहाँ से ये वाला बोल्ट भाई इसको खोलेंगे और थोड़ा प्रेशर बनाएंगे हम लोग यहाँ से, और आप लोग भाई दिखा दो कि भाई अपनी बाइक की जो डिस्क पैड है ना भाई पूरे बचे हुए भाई, अभी बहुत बचा हुआ अभी देख लो भाई बहुत बचा हुआ है अभी डिस्क अपना ये, ठीक है। तो एक बार इसका निकालते हैं, इसका प्रेशर वगैरह रिलीज़ करते हैं और दोबारा से प्रेशर बनाते हैं इसकी ब्रेक का, तो फिर आगे का बताता हूँ मैं। तो गाइस भाई 2 मिनट का काम था भाई, बस प्रेशर वगैरह रिलीज करके दोबारा से प्रेशर बनाया था अपना इसका ब्रेक का, जो कि बना दिया है भाई। और अभी ब्रेक ना भाई पहले जैसे एकदम मस्त लगने लग गई है, और स्किड भी फिर बच गया टायर देख लो भाई, ठीक है, स्किड वगैरह मार के आया होगी दो तीन, मतलब ब्रेक तो प्रॉपर वर्किंग में आ गई है। अब जो अपना चैन है भाई इसको लिप वगैरह करते हैं, और मैं बताता हूँ भाई मैं क्या क्या चीज़ यूज़ करता हूँ अपनी चैन लिप करने के लिए। वैसे भी 2-3 दिन से बारिश वगैरह पड़ रही है यार, मैं जब भी ब्लॉग बना रहा हूँ ना तब तक जार आई जा आना जाना लगा ही हुआ है इसका, बाकी इसको अवॉइड करना है यार, बाकी अपनी बाइक बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है और बारिश का सीज़न चल रहा है, तो भाई चैन लिप को अपनी चेन को मेंटेन करके रखना भाई बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो भाई मैं दिखाने वाला हूँ भाई मैं क्या क्या चीज़ यूज़ करता हूँ अपनी चेन को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो भाई चेक कर लो भाई, चेन बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है और ये एरिया भी अपना बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है। सबसे पहले तो निकालते हैं भाई ये कवर निकाल लेते हैं इसका, और उसके बाद भाई इसको सबसे पहले वॉश करते हैं हम लोग, उसके बाद दिखाता हूँ मैं आगे का प्रोसेस। देख रहे हो भाई कितना गंदा है गाइस इसके अंदर। तो गाइस व्हील कवर भी निकाल दिया हमने, और भाई ये आगे का स्पॉकेट भी खोल दिया हमने, स्पॉकेट बोल रहा हूँ, एक चैन कवर जो था आगे का फ्रंट का वो भी खोल दिया, और देख लो भाई बाइक कितनी ज़्यादा गंदी हो रखी है, 3-4 दिन से मैंने धोई नहीं है, तो भाई बाइक चलती रहती है और बारिश वाला सीज़न भी चल रहा है, तो भाई बाइक पूरी गंदी हो रखी है। सबसे पहले भाई चैन ही क्लीन करेंगे, उसके बाद बाइक वॉश करेंगे हम, ठीक है। तो भाई सबसे पहले ये साफ़ करते हैं सारा यहाँ से। तो भाई ये हमने बना लिया अपना भाई शैम्पू का भाई पानी बना लिया, और अभी इस ब्रश की मदद से हम लोग भाई अपनी बाइक पूरी चैन क्लीन करेंगे, ठीक है। और बाइक का मेरे पास पैडों के स्टैंड तो नहीं है, बट थोड़ा सा जुगाड़ लगा के मैं इसका पिछला टायर उखाड़ लूँगा, और जिसकी वजह से भाई अपनी चैन क्लीन हो सकती है। ये देखने में कितना ज़्यादा ब्रस्ट आएगा इसके अंदर, आगे का हमने दिखा दिया भाई, ठीक है, और बाइक चैन क्लीन कर। तो भाई हमारा मिश्रण तैयार हो गया, और भाई चैन क्लीन कर ली हमने फटाफट से। तो ये ना सबसे सस्ता और टिकाऊ तरीका होता है जो आप लोग भाई घर पे खुद से कर सकते हो ये चीज़। भाई मैं तो ऐसे ही क्लीन करता हूँ, आप लोग कैसे करते हो भाई अपना तरीका ही बता देना मुझे, मैंने सोचा भाई बता देना चाहिए भाई, कुछ बंदे पूछते हैं कि भाई आप लोग आप भाई अपनी चैन का जो अपनी चैन उसकी केयरिंग कैसे करते हो, बाइक की केयरिंग कैसे करते हो भाई, ये कुछ एक तरीके हैं जो भाई मैं हफ्ते में 1-2 बार में कर ही लेता हूँ कि बाइक की केयरिंग कैसे।
भाई इसे बाइक वगैरह अपने भाई पूरी क्लीन कर लिएगी, ठीक है। देख लो भाई पूरी बाइक अपनी वॉश हो गई है, साफ़ सुथरी हो गई है, और भाई अपनी बाइक की चैन भी जो वो भी भाई क्लीन हो गई है। अभी क्या कर दिया मैंने, थोड़ी देर के लिए बाइक को थोड़ा सा रेस्ट पर डाल दिया मैंने, जो अपनी बाइक की चैन जो भाई गीली हो रखी है ना, इसको ड्राई करने के लिए, ठीक है। अभी इसको पोछ के इसको मैं साफ़ कर इससे पोछ दूँ एक बार, उसके बाद इसको भाई 1.5 घंटे के लिए भाई इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देना आप लोगों ने, ठीक है। 1 hour later तो ऑलराइट गाइस, 1.5 घंटा हो गया अपनी बाइक को खड़ी हुई को भाई। बाकी इससे 1.5 घंटे के बीच में मैंने अपनी बाइक को पॉलिश वगैरह भी कर लिया, ठीक है भाई। एक बार चेक कर लो भाई बाइक कैसी लग रही है, ये पूरी पॉलिश कर दी है भाई, चेकआउट करके बताना भाई, मोस्टर तो प्यारा ही लगता अपना, ठीक है। बाकी अपनी जो भाई चैन थी भाई पूरी ड्राई कर दी है भाई, यहाँ से देख लो भाई पूरी भी सूख गई है, जो थोड़ा बहुत भाई ब्लैक सा लगना होता है भाई, ये तो लग नहीं होता, ठीक है। बाकी ऑलमोस्ट पूरी चैन ड्राई हो गई है, और अब मैं बताता हूँ भाई मैं क्या चीज़ यूज़ करता हूँ अपनी बाइक को ल्यूब करने के लिए, ठीक है। सो भाई बाइक की जो चैन ल्यूब करने का होता है ना, इसमें भाई दो चीज़ होती है भाई, दो चीज़ आप यूज़ कर सकते हो भाई। पहला सबसे पहला जो है वो मोटर का चैन ल्यूब करके आता है भाई, ठीक है। उसका प्राइस यही कुछ 600-700 के आसपास होता था, मैंने यूज़ नहीं करा कभी तो मुझे पता भी नहीं है, मैंने कभी खरीदा नहीं उसको। तो वैसे तो कंपनी में जब भी सर्विस होती है भाई कंपनी वाले लगा के देते हैं, ठीक है। बाकी मैं भाई ये चीज़ यूज़ करता हूँ भाई गियर ऑयल, ठीक है। गियर ऑयल का क्या होता है भाई, ये भी मतलब गियर ऑयल उसके ल्यूब की तरह ही होता है, ठीक है। ये अपना सस्ते वाला चीज़ होती है कि मतलब आप लोगों के पास इतना बजट नहीं है कि आप चैन को मेंटेन करने के लिए मतलब अपना लुब्रिकेशन वगैरह खरीद सको, तो भाई उसके लिए ऑप्शन होता है भाई ये चीज़ जो अपना है भाई गियर ऑयल, ठीक है। ये चेक कर लो भाई गियर ऑयल, ये बेसिकली होता क्या है भाई, अपना जो इंजन ऑयल होता है ना वैसे ही होता है, बट ये ना थोड़ा सा गाढ़ा होता है, मतलब ऐसा नहीं होता जो इंजन ऑयल होता है भाई थोड़ा सा मतलब पतला काफ़ी पतला होता है, बट ये जो अपना गियर ऑयल है भाई ये भाई काफ़ी गाढ़ा होता है, ठीक है। तो इससे ना अपनी जब हम चैन में डालते हैं ना तो अपना जो गियर ऑयल है भाई ये फैलता नहीं है इतनी जल्दी, तो ये ना मतलब अपनी चैन को प्रॉपर ल्यूब कर देता है, ठीक है। और इसका प्राइस भी दिखा देता हूँ मैं, 343 रुपीज़ है अराउंड, ये आपको 300-350 क्या 300 रुपये के आसपास का मिल जाएगा भाई। अलग अलग जगह पे अलग अलग प्राइस हो सकते हैं, आपको लोकल शॉप पे कौन सा प्राइस मिलता है मुझे नहीं पता, बट मुझे ये 250 रुपये का पड़ा था, ठीक है। तो अभी मैंने काफ़ी टाइम पहले लिया था, तो ये मुझे ये है कि भाई मेरा 6-7 महीने भाई ये इसी ने काट दिए हैं, और अभी भी काफ़ी बचा हुआ है इसमें, आधा डब्बा ये पूरा बचा हुआ है, ठीक है। तो वैसे अपना जो ये गियर ऑयल है ना भाई, इसको लगाने का तरीका भी मैं बता देता हूँ। जो अपना लुब्रिकेशन होता है उसका क्या करते हैं हम लोग भाई, सिंपली स्प्रे कर देते हैं चैन के ऊपर, टायर घुमा के स्प्रे कर देते हैं, तो भाई वो वैसे अपना लग जाता है। बट इसका क्या है भाई, ये तो भाई नॉर्मल में आराम से डालना पड़ेगा इसके ऊपर, देख रहे हो वैसे ये हमें भाई ऐसे एक थोड़ा थोड़ा सा करके डालना पड़ेगा अपनी चैन के ऊपर। तो भाई ये प्रोसेस करना पड़ेगा अपने को भाई, थोड़ा सा टायर घुमा के दोबारा से फिर वापस रोक के, तो ये जो चैन है ना ये जो ल्यूब है भाई अपना, अपने को ऐसे करना पड़ेगा इसको, इतना गील इतना भी नहीं लगा देना कि भाई आप सोचो कि यार डब्बा रखा अपने भाई पूरा मतलब पूरी चैन पूरी गीली कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं भाई, ऐसा मत करना। मतलब चैन ज़्यादा गीली होने का भी भाई नुकसान ही होता है, ठीक है। डस्ट वगैरह ज़्यादा चिपकती है फिर चैन के ऊपर, और ज़्यादा सूखी होगी फिर उसका भी दिक्कत होती है, चैन टूटने का डर होता है ज़्यादा, ठीक है। तो भाई अब फटाफट से अपने चैन अपनी बाइक की चैन को ल्यूब करते हैं, और एक फिर मारते हैं भाई प्यारी सी छोटी सी एक टेस्ट राइड, ठीक। तो भाई पहले भाई अपने बाइक की ब्रेकिंग जो थी ना भाई ना के बराबर ही लग रही थी, जब हम ब्रेक मार रहे थे तो भाई लगी नहीं रही थी, बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। बट अभी क्या है भाई, अभी तो ब्रेकिंग जैसे ब्रेक अप्लाई कर रहा हूँ, देख रहे हो कैसे स्पीड कैसे डाउन हो रही है, एकदम से स्पीड डाउन हो रही है, देख रहे हो। ये देखो भाई खाली पिछली ब्रेक से, सिर्फ पिछली ब्रेक से देख रहे हो क्या ब्रेकिंग शुरू होगी भाई अपनी बाइक की यार। आप फ्लाई भाई देखे क्या यार ये बंदा मेरे को यार, दो सौ ही है। बाकी आरसी है यार, आरसी के आगे कोई बोल सकता है क्या। चलो भाई फ्लाई वाई देने का अपने अपना टाइम है अब, ओ भाई साहब क्या नींद बजा यार,
आज डे में लीन मारा यार, बड़ा सेक्सी लीन आया डे में यहाँ पे। सो ऑलराइट गाइस, अभी यहाँ पे भाई टेस्ट वगैरह करके रुक रखे हम लोग यहाँ पे, हम लोग मतलब मैं और आप लोग भाई जो हमारे साथ के व्लॉग देख रहे हैं। भाई आप लोग व्लॉग देख रहे हो तो भाई आप लोग मेरे हम में ही आते हो, ठीक है। तो बाइक की चैन तो भाई देख लो भाई, पूरी प्रॉपर ल्यूब हो रखेगी और कोई नॉइस वगैरह नहीं आ रही है। बाकी अपनी जो पिछली डिस्क थी भाई, ये भी प्रॉपर वर्किंग में आ गई है, तो भाई अच्छा लग रहा है अभी बाइक चलाने में, अभी मज़ा आ रहा, कॉन्फिडेंस फील आता है ना। तो ये कुछ एक डिटेल्स थी जो बंदों ने अपने से पूछी थी, और कुछ एक जो मैंने अपनी तरफ से बतानी थी अपने भाइयों को, जो भी अपने सब्सक्राइबर अपने भाई लोग होंगे छोटे, मतलब छोटे बोल रहा हूँ, जो अपने से छोटे हैं और जो अपने से बड़े भाई लोग हैं भाई, उनको बताना था कि भाई मैं ये चीज़ यूज़ करता हूँ भाई। बाकी आप लोगों ने अगर भाई चैन ल्यूब के लिए अगर मोटुल का चैन ल्यूब अगर यूज़ करना है भाई, आप लोग वो भी यूज़ कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर पैसा वगैरह नहीं है ना यार, देखो मैं तो बोलूँगा भाई, अगर पैसा नहीं है तो भाई आप ये चीज़ भी यूज़ कर सकते हो जो मैं यूज़ करता हूँ, गियर ऑयल, ठीक है। वो भी यार बहुत सही चीज़ है, ये काम सेम ही होता है दोनों से, ठीक है। चैन को मतलब ल्यूब करके रखना काम होता है, चैन को वही काम वो चैन ल्यूब करता है और वही काम गियर ऑयल भी करता है। भाई दोनों में से कुछ भी ले सकते हो भाई, वो आपके ऊपर है, आप लोगों को क्या बेस्ट लगता है, ठीक है। बाकी मैंने तो भाई अभी तो 1 लीटर वाला बॉक्स ले रखा है गियर ऑयल का, मेरा तो वही चल रहा है। बाकी फिर करते हैं फिर इस वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड। बाकी आप लोग अगर चैनल पर नए हो तो बेल आइकन प्रेस कर देना यार, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। बाकी फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले जय हिंद, जय श्री राम, जय भारत।